हाय, क्या देख रही है नीचे? हाय बोल दो। हाय हाय से हाय। आयत को बस यहाँ पर खड़े होकर सारा दिन यहाँ से ट्रैफिक देखने। पापा कहाँ है? पापा नहीं आ रहे यहाँ से। आयत मम्मा की गुड गर्ल है, जल्दी से नीचे आ जाओ, जल्दी से। बुरी बात, आयत मम्मा जा रही है। फिर यहाँ से खड़े होकर ना इसको ये ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लगती है मगर, और यहाँ से ट्रैफिक को भी तो देखना है। आपको जो लगा दूं, जो कार्टून आ जाओ, जो बहुत तंग करी इसको, जे लगा दो जल्दी से, जो लगा दो। बाकी आज इंशाल्लाह ये सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा। पूरे बैग अभी मैंने सारे खोले हुए हैं। आयत को देखें, कार्टून लगा दिए तो वो वहीं पर ही लेटी जो है ना। मैंने सबके लपेट के अपनी अपनी जगह पर मैं लगाती जा रही हूँ। इसमें ज्यादातर आयत के और तैयबा के मिलेंगे। छोटे बच्चों के वैसे कपड़े ज्यादा होते हैं तो ये वाला सेक्शन भी आयत का है, और ये वाला सेक्शन जो है ये तैयबा का हो गया। अभी ये वाले बस दो तीन शर्टें हैं जो कि मुस्तफ़ा की हैं। कि ये दोनों ड्रॉ जो है ना ये भी फुल हो गए हैं आयत के कपड़ों से। जो आयत के नए कपड़े थे वो मैंने इनके अंदर बना के रखे हैं, जो पूरे पूरे सूट हैं। कि जो ये डेली आयत पहनती है वो इसके नाइट सूट हो गए। मैं तो पजामे और पैंटें जो है आयत की ये वाली लाइन हो गई, और ये वाले शलवार कमीज की लाइन हो गई, कि नाइट ड्रेस की लाइन हो गई, और इनमें कुछ फ्रॉक हैं जो आयत डेली पहनती है, और कुछ शर्टें हैं। तो इस तरीके से ये मिक्स हो गई। और ये वाली जो हो गई ना, इसमें आयत के सारे नए कपड़े हैं, और ये वाले भी सारे न्यू कपड़े हैं। ये भी कोई एक आध दफ़ा इसने पहना तो वो सारे इसमें मिक्स कर दिए। बाकी तैयबा मेरी हेल्प करा रही है, सारे जूते नीचे बना के रख रही है, और ऊपर फिलहाल मेरे कुछ नए कपड़े हैं। तो ये खैर तो मैंने आपको दिखाया था बैग, जो ऐसा ऐसा एक एक मुझे मिलता आ रहा है, तो साथ में बैग बनाते हुए जा रही हूँ। और हाँ, टावल मैंने अलग से और लिए थे। जिस दिन मैं बेडशीट लेने गई थी, मैं मुस्तफ़ा का टावल लिए, ये मैंने अपना और अपने हस्बैंड का लिए, ये तैयबा और आयत का, तो ये अलग अलग कलर। इनमें ऊपर फिलहाल सारे फ्रॉक लगा रही हूँ। ये भी अभी मैंने पूरी खाली की है कि इनको सबको बना के रखूँ, ऐसे नहीं डालती, तो अभी ये सब बना लेती हूँ। सफाई कर रही हूँ और सारी चीज़ें बना के रख रही हूँ। और फारूक भाई हमेशा की तरह अपनी कुकिंग में लगे हुए हैं। आज कौन सी डिश बना रहे हैं फारूक भाई? मैक्रोनी। आज मैक्रोनी बन रही है। चल आप बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ इंशाल्लाह, ये डिश जरूर पसंद आएगी। ये मैंने बहुत अरसा पहले खाई थी, तकरीबन शादी के कोई दो तीन साल बाद खाई थी, जब मैं घर गई थी फारूक भाई के, तो बहुत ज्यादा मिर्ची वाली बनी थी। उस दिन तो खाई नहीं जाती थी मिर्चें, लेकिन अब आदत हो गई है, अब फिर से दिल कर रहा है कि वही खाएं। फिर आप देखने कैसे। हाँ इंशाल्लाह, जब तक मैं सारा सामान समेट। अच्छा, यहाँ पर कपड़े लपेट लिए सारे, और ये बच्चों की सॉक्स मैं हमेशा ऐसे ही कवर करके रखती हूँ, तो मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूँ, हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्योंकि इस तरीके से ना घूम नहीं होती। तो इस तरीके से मैं सबकी जो है ना, सब बच्चों की ऐसे ही फोल्ड करके रखती हूँ वॉश करने के बाद, ऐसे ऐसे एंड तक ऐसे लेकर जाना है। और अभी मैंने मोबाइल तैयबा को पकड़ा दिया है, तो ये देखें, ये ऐसे जैसे मैंने फोल्ड कर लिया, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है इसके अंदर से हमने इसको ऐसे घुमाना है। इस तरीके से हमारी सॉक्स दोनों ऐसे फोल्ड हो गई, तो ये घूमती नहीं है, और तैयबा भी इस तरीके से इनको संभाल के रखती है। तो इतना जितनी भी सॉक्स हों सारी मैं ऐसे ही फोल्ड करके रखती हूँ। थैंक यू तैयबा कैमरा पकड़ने के लिए। अब जाओ ये अंदर अपने शूज़ के अंदर संभाल के रखो। और शुक्र है मेरे अल्लाह का, आज फाइनली यहाँ से सारे बैग खाली हो गए, जो कि मैं टोटल डेली एक आधा खाली कर रही थी। और उनके अलावा बहुत ज़्यादा शॉपर थे, मतलब बहुत सामान था, हमारा यहाँ से तो खाली हो गया है। ये वाली कबर तो हमारी फुल हो गई है। थोड़ा बहुत वहाँ पर सामान पड़ा है, जैसे आटे वाली बाल्टी, मतलब वॉशिंग एरिया में जाएगा, ये भी वॉशिंग एरिया में, ये सिलाई मशीन है, थोड़े बहुत ऊपर बिस्तर पड़े हैं, ये सारी चीज़ें हटाना है। यहाँ वाला ये पार्ट जो फिल था ये सारा मैंने आज खाली कर दिए। कबर्ड भी सारी फिल हो गई, जूते कुछ बना के नीचे रखे, अभी भी जूते रह गए हैं, तो वो वाला हिस्सा भी पूरा फुल है। कुछ इस तरह का है कि यहाँ से मेरे इस साइड से मेरे कपड़े आ गए, नीचे अभी मैंने जूते रखे हैं, तो इनको बंद कर देते हैं, और इस साइड को भी बंद कर देते हैं। शुक्र है मेरे अल्लाह का, बहुत बड़ी टेंशन थी कि मैं बैग खाली करूं और बैगों को साइड पे करूं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं, बहुत ज़्यादा खुश इस वजह से हूं कि आज फाइनली मेरे सारे कपड़े कबर्ड में आ गए हैं। ये होता है ना कि जैसे एक बंदा दो बंदे उसके कपड़े निकालो बैग से और फौरन कबर्ड में डाल दो, तो वो बहुत इजी रहता है, लेकिन तीनों बच्चों के अलग, मेरे अलग, मेरे हस्बैंड के अलग, सबके सेपरेट हर उसमें बना बना के रखने में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो आज टोटली सारे बैग खाली हो गए, सारे कपड़े अलमारियों में चले गए हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी भी है। तो मैंने जैसे साफ़ सफाई की है, झाड़ू लगा के पोछा भी लगा लिए, तब तक फारूक भाई ने खाना भी बना लिया है, तो अब चलते हैं साथ बैठकर सारे एक साथ खाना खाते हैं। और इसके अलावा आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, तो सारे मैच भी देख रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं खाना लगा दे। तो आज भी हमारी टीवी देखने कहीं पर लगी नहीं है, तो सामने आयरन टेबल के ऊपर रख दी है, और सारे अपने मैच में बिजी हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैक्रोनी तैयार है, जो कि फारूक भाई अपने तरीके से बनाते हैं, मतलब वो वाला नहीं जो अक्सर आपने यूट्यूब पे वीडियोज़ में देखा होगा,
उस तरह का बिल्कुल नहीं, इनका बहुत डिफरेंट होता है। तो ये रहा हमारा दस्तरखान, पहले यहाँ पर दस्तरखान बिछा देते हैं। अच्छा फारूक भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर बिछा दें क्योंकि मैच इनका लगा हुआ है ना, तो फिर टेबल हटा दें। जी जी कौन जीतता है। हाँ अभी तो खुशी से सारे देख रहे हैं। रोहित मामा की हेल्प करा रही, रख दो नीचे रख दो। तो यहाँ पर खाना लग चुका है और मुझसे इंतजार नहीं हुआ, दो चम्मच तो मैंने खा भी लिए, बहुत स्पाइसी बहुत मजे के बने हुए। इसके अलावा फारूक भाई ने ऊपर से जो है ना बॉयल एग भी काट के पूरे इसके ऊपर डाल दिए। और बस अभी सारे बैठे, मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए, तो ये उमर है फारूक भाई का सबसे बड़ा बेटा। जल्दी से आप भी आ जाओ जल्दी से। फाइनली मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और अब बिस्मिल्लाह करें, हाँ शुरू करते हैं, मैंने तो अपना शुरू किया हुआ है। खाना जो है ना हमने खा लिया है, अब गेस करें कि मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। तो अभी मैं आपको अपना ड्राइंग रूम दिखाने वाली हूँ। ये भी प्रॉपर सेट नहीं हुआ, काफी कुछ अभी नहीं सेट हुआ, जैसे कि इसके कर्टन है, कर्टन से ड्राइंग रूम में ज्यादा खूबसूरती आती है। जो चीजें अभी फिलहाल मेरे पास है, जो चीजें मैंने अभी सेट की हुई है और जो मेन चीजें थी वो आ गई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बस अभी दिखाती हूँ। से हमारे सोफे आए हैं, उसी दिन से सब कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, सब कुछ पैक हुआ हुआ है, तो इसको मैं निकालती हूँ। कुशन हमारे मेहरून कलर के आ गए हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। सोफे हमारे ग्रीन है, तो ग्रीन के साथ जो है ना गोल्डन ही एक उठेगा और अच्छा भी लगेगा, तो मेहरून बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है मेहरून। तो मैं अभी यही कर सकती हूँ कि उनको बोलूँगी कि ये वापस कर लें। अभी जैसे कि ये मेरा पुराना है ना, ये पुराने वाले, तो ये देखें कि गोल्डन और ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरून का बिल्कुल भी कलर इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत ये देखूंगी और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। वैसे मेरा दिल नहीं है, और आप भी मुझे कमेंट में बताएगा कि अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो इनको निकालती हूँ और फिर दिखाती हूँ। मैं बनवाती ना ऑर्डर पे, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको, मतलब एक कोई 15-20 दिन बाद या महीने बाद हो सकता है मुझे ये मिलते। तो ये था कि ये मैं जैसे गई थी ना, ये रेडी पड़ा था पहले से ये सोफ़ा सेट, और इनका कलर भी फिर मुझे अच्छा लग रहा था कि ले लूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कलर थे, लेकिन ये थोड़ा डिसेंट भी लग रहा था, कलर थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैंने फिर कहा कि नहीं बस ये जब तैयार हुए हुए हैं तो फिर हमें यही भिजवा दो। ये रहा हमारा ड्राइंग रूम का डोर, इसको ओपन कर लेती हैं। ये क्यों नहीं ओपन हो रहा, हाँ ये थोड़ा सा हार्ड है, तो अभी खुल गया। और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा ड्राइंग रूम। इसमें मैंने कुशन पुराने वाले रखे हैं आपको दिखाने के लिए कि गोल्डन कलर कितना खूबसूरत लगता है और कितना एनहेंस होकर दिख भी रहा है ग्रीन सोफों के ऊपर। इस साइड पर ये वही वाले मेहरून कलर के कुशन है जो कि इनके साथ उन्होंने मुझे बनवा कर भेजे हैं, जो कि इनको ऊपर रखने से सोफ़ों का कलर जो है ना इतना इनहेंस होकर नहीं दिख रहा, ना ये दिख रहे हैं अच्छे, ना ही सोफ़ा अच्छा दिख रहा है। तो मतलब इनके ऊपर रखने से ना ये डार्क शेड थोड़ा दब गया है सोफ़ों का कलर भी, और उठ के नहीं आ रहा जैसे कि इस साइड पर गोल्डन उठ के आ रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ, आप सब भी मुझे बताइएगा कि गोल्डन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी ये मेरे वही पुराने वाले हैं, और देखें कि ये कितने पतले हो चुके हैं, इनको मैंने यूज़ कर करके, क्योंकि एक साल इनको भी हो गया है, एक साल पुराने हैं और इनको रात दिन यूज़ किए, बहुत यूज़ हुए हैं, कभी बच्चों ने पीलो बना के इनको यूज़ किया, कभी खेलने के लिए, कभी क्या, लेकिन अभी फिर भी इस हालत में थे कि यहाँ पर मैंने इनको रख के आपको दिखाना था कि कैसे लगे। बाकी थोड़ा सा पीछे जाकर भी आपको पूरा इसका लुक दिखा देती हूँ कि इस तरह से ये कुछ एडजस्ट हुए हैं। पहले मैंने सोचा कि ये जो 3-सीटर है ये हमारा जो है ना वहाँ पर सामने चला जाए, लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये दो लाइटिंग भी लगी हुई हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके अलावा 2-सीटर को मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की कि एक वहाँ चला जाए या फिर एक वहाँ चला जाए, तो सेंटर में मैं कुछ और रख लूँगी और सोफ़ा रख लेंगे, जैसे कि मेरा ये बाहर मेहरून अभी पड़ा हुआ है, ये भी मैंने वहाँ पे रख के देखा तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ से ये मुझे फिर भी बेहतर लगा है कि एक ही कलर की रखती हूँ, और सेंटर में हमारी खूबसूरत सी टेबल आ जाती है, जो कि ये भी उन्होंने अपनी मर्जी से अपना ही डिज़ाइन करके दी है। बस मैंने उनको ये बोल दिया था कि सेंटर टेबल चाहिए, इनका डिज़ाइन मैंने कुछ नहीं देखा था, तो खैर अच्छा है, मैचिंग हो रहा है, प्यारा लग रहा है। इसके अलावा ड्राइंग रूम की खूबसूरती जो है ना इनके कर्टन से आती है, कर्टन अभी हमारे लगे हुए नहीं हैं यहाँ पर, जब कर्टन हमारे आ जाएंगे ना तो वो भी मैंने गोल्डन ही सोचा हुआ है कि कर्टन गोल्डन करेंगे। जो गोल्डन कलर है वो हर कर्टन मतलब हर किसी के साथ मैच हो जाता है गोल्डन कलर, तो अगर कल को मुझे इनका कुशन भी चेंज कराना पड़ेगा ना, ये सोफ़ों का कलर भी चेंज कराना पड़ेगा, तो गोल्डन कर्टन जो होते हैं ना वो सबके साथ मैचिंग हो जाता है उनका, तो गोल्डन सबके साथ मैच हो जाता है। इसके अलावा इनका कलर बहुत खूबसूरत है, ग्रीन कलर है जो कि बहुत खूबसूरत वाला ग्रीन है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों कैमरे में ग्रीन नहीं दिख रहा, कुछ डिफरेंट सा ही लग रहा है कलर,
और पता नहीं ये दिन की रोशनी में शायद इसका असली कलर दिखे, रात में तो ये कुछ इस तरह का ही दिख रहा है। इसे बता देती हूँ, जो हमारे फ्लैग में है ना ग्रीन कलर, ये वो वाला ग्रीन है, लेकिन इसमें इस तरीके का पता नहीं क्यों थोड़ा ब्लू शेड आ रहा है। तो बस सिंपल सा है, इसके अलावा डेकोरेशन के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। डेकोरेट इसको करें तो ये बहुत खूबसूरत ड्राइंग रूम बन जाएगा। ये वाला हिस्सा खाली है और इस साइड पर भी काफ़ी सारा स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी ये काफ़ी हिस्सा इसका खाली पड़ा है, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं, और ये वाला हिस्सा भी काफ़ी खाली पड़ा है, यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं। और ड्राइंग रूम की हम थोड़ा डेकोरेशन करें ना तो वो मज़ीद और ख़ूबसूरत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी मैं कुछ पीछे लगा सकती हूँ, यहाँ पे भी कुछ पीछे लग सकता है, जैसे कोई पिक्चर वगैरह लगा दें, और वहाँ पर कोई मैं ग्रीन कलर का या फिर कोई प्लांट या फिर डेकोरेशन का कुछ, बहुत कुछ आजकल मिलता है, कॉर्नर का कुछ मिल जाए, साइड टेबल मिल जाए, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। फिर इंशाल्लाह आगे कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करने की। फ़िलहाल जो भी अभी मेरे पास था, अवेलेबल था, जो सेट था मेरे पास, वो मैंने आपको दिखाया है। मुस्तफा को बुलाया कि मैं भी थोड़ा सा अपने नए वाले सोफ़ों पे बैठ के देखूं कि कैसा लगता है बैठने के बाद। बहुत कम्फर्टेबल है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको हमारा ड्राइंग रूम कैसा लगा, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह पाक से दुआएं कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मज़ीद खुशियों में बरकत डाले, हमारे नए घर में बरकत डाले और आगे हमारे लिए हमारा घर अच्छा साबित हो। तो बस इतना सा ही ये था, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। फिलहाल ऐसा ऐसा और भी आगे दिखाएंगे। लाइट सारी ऑफ कर दो, वहाँ से सारी लाइट्स ऑफ करो और चलते हैं, सोते हैं। सुबह मुस्तफ़ा का स्कूल भी है। लाइट्स ऑफ करो, बंद करो लाइट, शाबाश आ जाओ। और मेरे जिन को नींद नहीं आ रही, जिन बाबा बैठा हुआ है अभी, किसे हो आपका भी सुबह स्कूल है, मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ, फिर से आके बैठ जाते हो। चलो अंदर, मैं लाइट सब ऑफ कर रही हूँ। अच्छा, बाकी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कुछ हमारा सेट हो गया, बच गया तो हमारा किचन, जो कि अभी तक सेट नहीं हो पा रहा। बर्तन इतने हैं कि निकलते आ रहे हैं, कभी कौन सा चम्मच निकल के आ जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा उसको ना रखूँ। और काफ़ी कुछ हमारा किचन में कुछ कुछ कैबिनेट है, मैं आपको दिखाती हूँ कि जो सेट हो गए हैं। ये जो अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया था, बहुत ही प्यारा, अम्मी की हमेशा मुझे याद दिलाता है, बिल्कुल यहाँ सामने रखा है मैंने। और इसके अलावा ये भी चाय वाली केटली है, अभी जैसे जैसे सेट हो रहा है इंशाल्लाह इसको यूज़ भी करूंगी। तो पूरा अभी मतलब किचन हमारा बड़ा है, अब अच्छे और मज़े की वीडियोस बना करेंगे हमारे किचन में। लेकिन क्या है कि जब तक सेट नहीं होता, बस ज़्यादा अभी दिन नहीं है, अभी बहुत कुछ सेट हो गया। ये वाला देखें, ये वाला कैबिनेट, इसमें जो हमारे इस्तेमाल के बर्तन है फिलहाल वो रखे हुए हैं। और फारूक भाई ने जो मैक्रोनी बनाई है वो पूरा का पूरा पतीला देखें खाली हो गया, सब ने शौक से खाया, हमारे घर कुछ मेहमान आए थे उन्होंने भी शौक से खाया है, तो ये खाली हो चुका है, इसको भी वॉश करके रख दिए हैं। तो बर्तन देखें ऊपर नीचे कुछ पड़े हुए हैं। अब ये वाला कैबिनेट भी खोल के दिखाती हूँ कि ऐसे जो है ना हमने चीज़ें अंदर, फारूक भाई हो गए, भाभी हो गए, ऐसे बना बना के फिलहाल जैसे आए रखते गए, तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपर सेट करके अभी भी रखना है, क्योंकि क्या करें, हो तो रहा है, आप सबको पता होगा कि घर चेंज करने में कितना टाइम लगता है, सेटिंग करने में, हर एक चीज़ प्रॉपर जगह पे रखने में। तो ये कैबिनेट भी जैसे खोला है तो अम्मी की ये वाला मुझे याद दिलाता है, अम्मी ने मुझे दिया था कि ना इसमें ना आयत का मिल्क डाल के रखना है अभी कुछ ज़रूरत का। और ये मैंने बच्चों के पानी वाले मग लिए हैं, ये भी अभी वहीं का वहीं रखा हुआ है, इसको भी बंद कर देते हैं। और इसके अलावा आयत का दूध, बच्चों के बिस्किट वगैरह, कुछ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ मुझे ये पता नहीं गिफ्ट मिला था या मैंने खुद लिया था, ये भी याद नहीं है। तो ये दिखाऊंगी जब सारा अपनी जगह पर चला जाए। इस वाले कैबिनेट को खोलते हैं तो ये देखें, ये भी मैंने नया लिया था, ये चाय वाली पतीली मैंने नई ली थी। तो चाय की पतीलियाँ तो खैर वैसे भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, वो चाय की पतीलियाँ मेरे पास इसलिए ज़्यादा होती हैं चाय बनाने का, जैसे मुझे शौक है तो मैं जहाँ जाती हूँ हमेशा चाय की पतीली, चाय के थर्मोस, ये चीज़ें लेती हूँ। तो यहाँ पे भी देखें, भाभी को, फारूक भाई को जो चीज़ें जहाँ समझ आती गई ना ऐसे बस अंदर रखते गए कि बाहर से हटे, तो इसी वजह से ये तरतीब से सब कुछ नहीं पड़ा हुआ है, सारे कैबिनेट में सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। और इसके अलावा इस कैबिनेट में देखते हैं तो इस कैबिनेट में भी देखें ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। कैबिनेट को देखते हैं तो इस कैबिनेट में ये मैंने अपने लिए नए बर्तन लिए थे, ये भी पता नहीं मैंने आपको नहीं दिखाया था, हाँ ये मैं दिखाऊंगी जब मैं खोलूंगी इसको तभी दिखाऊंगी, तो इसको भी बंद ही कर देते हैं। ये भी जो सोफों के ऊपर से ये सारा शापर निकाला ये वही है, तो इसमें भी सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, आधे अधूरे कुछ बर्तन हैं जो कि वो मैं निकाल दूंगी, अभी मैं एक्स्ट्रा कुछ जमा नहीं करूंगी। फाइनली आज हमारा ड्राइंग रूम हो गया, और फिलहाल फिलहाल वाला वर्ड तो आपने मेरा बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फिलहाल जो है ना आज ये सेट नहीं हुआ, फिलहाल ये सेट नहीं हुआ। किचन में भी कभी मैं थोड़ा बहुत क्या दिखा देती हूँ, कभी क्या कोने कोने दिखा रही हूँ,
होम टूर नहीं दे रही। तो फिलहाल वाकई में फिलहाल वाला वर्ड जो मैं बैठ रहा है सूट कर रहा है, वाकई फिलहाल अभी कुछ भी सेट नहीं हुआ। ऐसा ऐसा हो रहा है तो एक एक चीज दिखा रही हूँ। फाइनल बाहर का कुछ रह गया वो, और हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो थोड़ा बहुत रहता है। किचन, अभी किचन रहता है और एक रूम रह गया है, और डाइनिंग एरिया रह गया। बाकी बाहर का थोड़ा बहुत सेटअप करना वो हो जाएगा, और कर्टन भी लगने हैं फिलहाल, वो भी नहीं लगे। लेकिन होम टूर मैं आपको पहले ही दे दूंगी कर्टन आने से पहले, क्योंकि पर्दे लगने बनने पता नहीं कितना टाइम लगता है, तो उनका अभी फिलहाल कुछ वो नहीं है। इसके अलावा मेरी, मुझे पता है प्रॉपर एक रूटीन के हिसाब से मेरी व्लॉगिंग नहीं हो रही। जैसे सुबह से रात तक की रूटीन होती है, सुबह जैसे नाश्ता, रात का डिनर, ये सब कुछ मैं अभी फिलहाल नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि इतना भी मुझसे होगा जी। वरना मुझे तो लगता था कि मैं एक महीना पूरा चैनल पर आऊँगी नहीं, मैं ब्लॉग कुछ नहीं बनाऊँगी। उस हिसाब से अभी मैं अपने आप को बहुत बेहतर समझती हूँ कि मैं इतना बना रही हूँ, और कुछ ना कुछ मैं डेली डाल तो रही हूँ। ना डालने से तो बेहतर है, क्योंकि जब सबके कमेंट्स आते हैं कि हम वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, आप ये अभी तक नहीं आए, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है कि हर कोई वेट कर रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल ना डालने से बेहतर है कि कभी एक रूम दिखा दिया, कभी कौन सा एक एक रूम जैसे जैसे सेट होता जा रहा है वो दिखा रही हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज को अभी मैं फीडर देकर आई हूँ, मुस्तफ़ा का सुबह स्कूल है, तो इसी वजह से अब जाकर सोती हूँ। कल मिलूँगी इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।